हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ऐसा कुछ स्वास्थ्य कारणों से हो रहा था। आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे। और आपके लिए एक अच्छी खबर है इसमें कि अब जितने भी क्लास होंगे इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, जो उसमें कि सभी के आंसर्स भी होंगे। चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी। हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश है कि जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगला है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है श्रीमती नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को। ये CISR की पहली महिला महानिदेशक हैं। नई नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, जिसे हम सेलेवियर अवार्ड के नाम से जानते हैं, से सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है कन्नम सुंदरम जी को। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रीय तटरक्षक पदक PTM और तटरक्षक पदक TM को किसने मंजूरी दी है? ये दो नए पुरस्कार प्रारंभ किए गए नौसेना को। तो ये नए भी जितने भी नए पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति हमारी शुरू करते हैं। तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये है डूरंड कप। अगला है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे जो अब ईटानगर में है, निर्माणाधीन है, उसका क्या नाम है? तो ये हमारा है तेजो पोलो हवाई सॉरी डोनी पोलो हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में 75 लैप मतलब 75 चक्कर लगाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुँचने के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज ने एक कीर्तिमान बनाया है? तो ये लैब पूरा किया है आर्यन सतपुड़ा ने। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये एक ड्रेवन ब्रावो हैं, आप किसी भी भारतीय का नाम मत लगाइएगा। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट के बिगुल के रूप में लोकप्रिय कौन थे जिनका 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया? तो ये राकेश झुंझुनवाला जी थे। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? तो ये भारत शुरू करेगा अगले वर्ष 2023 से। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% जो है नई शिक्षा नीति जो है हमारी उसको लागू कर रहा है? तो ये जो है वो गोवा लागू कर रहा है। नेक्स्ट है, शुभंग लीला महोत्सव ये मणिपुर का है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका शीर्षक क्या है उसका, जो 30 अगस्त 2022 को जारी की गई है? इन फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, ओल्गा डाइज ड्रीमिंग, कंस्ट्रक्टिंग अ नर्व सिस्टम या लाइफ बिटवीन द टाइड्स। तो इसका सही आंसर है इन फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निर्मित भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में संक्रमण के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए 6 सितंबर 2022 को DGCI की मंजूरी मिल गई? इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन, ये क्या होता है? जैसे हमें अभी तक जो हमारे हमें वैक्सीन दी गई वो इंजेक्शन के रूप में दी गई, ये नाक के थ्रू जैसे नेजल आता है नेजल स्प्रे उस तरह से दी जाएगी, ये भारत बायोटेक की वैक्सीन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश के साइकिल चालकों ने ले साइकिलिंग विश्व कप महिला और पुरुष दोनों को जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता है, इसे भारतीय सेना ने ले प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित किया था। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप वो है फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति जिनका 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया वो कौन थे? तो ये साइरस मिस्त्री जी थे। नेक्स्ट है,
किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है? नुआखाई ये उड़ीसा का उत्सव है जो नए चावल के आने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिल्ली राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर किस राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी को ये विकसित किया जाएगा जो कि लखनऊ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना जिसका नाम महिला निधि है की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रीमान कल्याण चौबे जी को। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? मतलब वो जो हमारे ट्रक आएंगे वो क्या होंगे, LNG से चलेंगे। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो वो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने डेवलप किया है ऐसे ट्रक्स को। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुरेश रैना जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को कमीशन किया, कौन सा पोत है वो? तो हम सभी जानते हैं INS विक्रांत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना की शुरुआत की? तो ये PM श्री योजना है जो कि हमारी नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनमें फर्नीचर्स इत्यादि की व्यवस्थाएँ दी जाएंगी। नेक्स्ट है, G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो 2023 में जो हमारा G20 की अध्यक्षता होगी वो भारत करेगा, भारत में आयोजित होगा और उसमें अतिथि होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के जो संवाद हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेटर सितंबर 2022 में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में हर घर में RO का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव? तो ये भरतावल है, जिस अपने यहाँ 4 RO प्लांट लगाकर अपने सभी जो घरें हैं उनके गाँव में उसको पानी सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, रामचंद्र मांझी जिनका सितंबर में निधन हो गया वह एक कौन थे? रंगमंच कलाकार, वकील, डॉक्टर या लेखक? तो ये एक रंगमंच कलाकार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो मिला है 46 शिक्षकों को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? रख दिया गया तो ये नाम, तो अब इसका नाम है कर्तव्य पथ। जो हमारा राजपथ था उसका उससे भी पुराना नाम था किंग्सवे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आशुतोष रावीरकर जी हैं। अन्य पुस्तकें इनके लेखक जान लेते हैं, द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, JJ सिंह इसके लेखक हैं, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चौलिया, अनफील्ड वायरलेस, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा इसके लेखक हैं, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर सेट्टी, द मिलेनियर योगी इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की MD पाठक हैं इसके लेखक, ब्रुडाइज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमेज, सावी द और विद, फियरलेस गवर्नेंस इसके लेखक किरण वेदी जी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो हमारे ओलंपिक पदक धारक हैं, नवदीप सिंह गिल, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्वाइडेंस नेशनलिस्ट इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट है, गजपत अ किंग विद अ किंगडम, अशोक बल जी इसके लेखक हैं, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी जी, गांधी टोपी गवर्नर यरल गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद, पब्लिक सर्विस आयुक्त प्रभास कुमार, ये IAS की बुक्स हैं जो लोग पढ़ते हैं, कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी जी, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड
तो इसके बान की मून हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव थे। नेहरू द डिबेट डेट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने नंजनाड़ टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। यह पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है तमिलनाडु के? तो यह तिरुपुर में है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित समुद्री अभ्यास जिमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। यह किस देश के साथ हुआ था? तो यह जापान के साथ हुआ था। याद रखिएगा, जिमैक्स जैसे जापान और जैसे जिमैक्स। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह वही सरकार है जो बच्चों का बहुत ख्याल रखी है, बिहार सरकार। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में अपना पहला और डूरन कप का 31वां संस्करण जीता है? तो यह जीता है बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने, इसने अब तक डूरन कप नहीं जीता था। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये 10% करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, किसने निम्नलिखित में से 18 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये किया है वहाँ की हमारे जो वो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी ने किया था। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये मध्य प्रदेश में लगाया गया है पवन ऊर्जा संयंत्र। किस देश किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो ये सियाचिन के पास किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार पीएम पढ़ा योजना शुरू करने की योजना बना रही है, यह किस चीज से संबंधित है? तो यह संबंधित है रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना और जैविक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी नियम समिति जो है LAC मार्क टू लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है, यह किस लड़ाकू विमान की जगह लेगा? तो यह जगह लेगा रोग सभी की, मिराज की भी, जगुआर की भी और MiG-29 की। सब पुराने हो गए तो इन सबकी वो जगह लेगा। नेक्स्ट है, 2018 में उद्घाटन किया गया बोगी व्हील ब्रिज किस नदी पर है? तो ये जो सबसे चौड़ी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र, उस पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारत में कार्बन तटरक्षता में तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है? तो ये किया है सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन ने, ये गाय के गोबर से जो गैस बना के कुछ काम करेंगे ये। नेक्स्ट है, उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, मतलब सितंबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये रणवीर सिंह ने ये पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया, इस पे अगर कोई कार्ड धारक किसी मर्चेंट से मर्चेंट प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर कितने परसेंट कैशबैक दे, मतलब अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको इतना कैशबैक देगा। तो ये कैशबैक कितना है? तो ये है 5% का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो समर्थ को लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी ने सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसके और भी क्वेश्चंस कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो गुजरात में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया है मेघालय सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की, मंगोलिया की राजधानी क्या है? यह आपको बताना है। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हम इस पे नए हैं, आपसे पहले भी बताए थे, तो आपके सहयोग जरूरी है। आगे से हम आपकी रेगुलर क्लासेस जरूर लेते रहेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2022 में मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? तो ये अनावरण बांग्लादेश के साथ किया गया है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि मदर टेरेसा का जन्मदिवस है। भारत और किस देश ने कुसियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण का हस्ताक्षर किया है? तो ये कुसियारा नदी है, ये बांग्लादेश में ही बहती है, भारत बांग्लादेश से होकर। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार कौन जीता है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो ये बराक ओबामा जी, जो कि पूर्व यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कौन है, जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो ये हैं टीवी शंकर नारायण जी थे, जिनका निधन हो गया है। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज कौन है? तो ये बिरजू शाह जी थे, जिनका निधन हो गया, इनका भी। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं, बताएगा? तो ये कितने लोग को पता है आप कमेंट में दीजिए, कि चलिए हम इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए फिर से भगवान कृष्ण के सही संबंधित क्वेश्चन, कौन सा इसमें जो लोक नृत्य है जो कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोकमंच का एक रूप है? तो ये चलिए इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये राजस्थान सरकार शुरू कर रही है, यह मनरेगा की तरह ही एक योजना है, जिसमें 100 दिन की निश्चित रूप से रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है, एनजीटी ने सितंबर 2022 को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया? ये जुर्माना भी पश्चिम बंगाल सरकार पर लगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पुदुमाई पेन, आधुनिक महिला जिसका नाम है, योजना शुरू की है? पुदुमाई पेन, तो ये लैंग्वेज है केरल की, तो केरल सरकार ने शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताइएगा, चलिए द्वापर में हुआ। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, बराक ओबामा जी हैं जो कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने अवार्ड जीता है एमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हमारा 14 सितंबर है। किस अभ्यास में भारतीय नौसेना 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भाग की है? तो काकाडो जो नौसेना अभ्यास है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।